हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फिफ्थ चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट एसिड्स बेसिस सॉल्ट इंडिकेटर्स एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ओके नाउ लेट इस मूव इनटू द चैप्टर फर्स्ट वन एसिड्स एंड बेसिस एसिड्स क्या होता है एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट टेस्ट सोर एंड आर करोसिव इन नेचर एसिड्स की टेस्ट कट्टा होता है एंड दे आर वेरी करोसिव इन नेचर मतलब कोई भी मेटल को वो डिस्ट्रॉय कर सकती है ओके द केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स इज एसिडिक ओके दिस वर्ड केम फ्रॉम लैटिन वर्ड एंड इट टर्नस ब्लू लिटमस पेपर इन टू रेड कोई भी सब्सटेंस एसिड होगा तो लिटमस पेपर उसके अंदर डिप करेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज हो जाता है ओके डीज सब्सटेंसेस आर केमिकली एसिडिक इन नेचर द एग्जांपल्स आर ऑरेंज जूस कर्ड विनेगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सम एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स क्या हैं ऑरेंज जूस विनेगर कर्ड लेमन जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड Okay, is way And we have some natural acids. What are that? Orange juice and lemon juice, etc. Okay. Next one, bases. Bases are substances that in aqueous solution are slippery to touch and bitter in taste. It turns red litmus paper to blue. These substances are chemically basic in nature. Soap, ammonium hydroxide, calcium hydroxide are the examples. ओके okay. बेसिस क्या होता है ये स्टिकी नेचर में होता है लाइक like, साबुन uh, है साबुन की नेचर क्या होता है स्लिपरी होता है उसकी जैसा ही ये बेसिस की भी नेचर ऐसा ही होता है एंड टेस्ट होता है बिटर रेड लिटमस को ये ब्लू कलर में चेंज कर देती है बेसिस चेंज रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू कलर एंड एग्जांपल्स फॉर बेसिस क्या है सोप अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ओके नेक्स्ट वन इंडिकेटर इंडिकेटर्स क्या होता है सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर ये सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक और कॉल्ड इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स आर यूज टू फाइंड एनी सब्सटेंस एसिडिक और बेसिक ओके इंडिकेटर्स से पता चलता है ये सब्सटेंस एसिडिक है ये सब्सटेंस बेसिक है वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स ओके लिटमस देखेंगे रेड लिटमस पेपर एसिडिक सोल्यूशन में कलर चेंज नहीं होगा बेसिक सोल्यूशन में ब्लू कलर में चेंज हो जाता है इन द सेम वे ब्लू लिटमस पेपर एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर में आ जाता है बेसिक सोल्यूशन में कलर चेंज नहीं होगा ओके okay? इस तरह इंडिकेटर्स यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है कौन सा सोल्यूशन बेसिक है ओके डिपेंडिंग ऑन द चेंजिंग ऑफ द कलर्स इंडिकेटर्स में टू टाइप्स के होते हैं नैचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं फर्स्ट वन नेचुरल इंडिकेटर्स वॉट आर नैचुरल इंडिकेटर्स प्लांट्स आर प्लांट पार्ट्स कंटेन यूजफुल केमिकल्स दट आर यूज फॉर टेस्टिंग एंड एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सोल्यूशन आर टर्मड एज नैचुरल इंडिकेटर्स चाइना रोज एंड टर्मरिक आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिकेटर्स नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है दे आर प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स वी आर अपटेनिंग नेचुरल इंडिकेटर्स फ्रॉम नेचर वी आर यूजिंग प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स टू फाइंड द एसिड्स एंड बेसिस ये प्लांट प्रोडक्ट्स में सम यूजफुल केमिकल्स होता है ये केमिकल्स यूज करके हमारे पास जो सोल्यूशंस है, है वो एसिडिक है या बेसिक है वो फाइन कर सकते हैं फॉर एक्जाम्पल लिटमस पेपर ये लिचन से मिलता है चाइना रोज एंड टर्मरिक दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल इंडिकेटर्स ओके नेचुरल इंडिकेटर्स में बेस्ट वन लिटमस पेपर है वी आर यूजिंग लिटमस पेपर वेरी ऑफनली लिटमस इज ए नेचुरली अकरिंग पर्पल इंडिकेटर विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस

सोल्यूशन की कलर है पर्पल ओके okay? ये एसिडिक सोल्यूशन में थोड़ा सा डालेंगे तो इमीडिएटली टर्न्स इनटू रेड कलर एंड व्हेन एडेड इनटू ए बेसिक सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन में थोड़ा सा डालेंगे तो ये पर्पल कलर ब्लू कलर में बदल जाता है तभी पता चलता है ये सोल्यूशन बेस है इंडिकेटर रेड कलर में बदल गया तो इसका मतलब ये सोल्यूशन दट सोल्यूशन इज एसिडिक एंड इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन एंड स्ट्रिप्स सोल्यूशन में भी यूज कर सकते हैं एंड स्ट्रिप्स में भी मिलता है स्ट्रिप्स में जो मिलता है उनको कॉमनली लिटमस पेपर करके बोलते हैं हम ओके रेड लिटमस टर्नस ब्लू इंडिकेटिंग ये बेसिक सोल्यूशन लैब टेस्ट करने के वक्त रेड लिटमस ये पेपर या सोल्यूशन इमिडिएटली ब्लू में चेंज हो गया तो वो बेसिक सोल्यूशन होता है ब्लू लिटमस रेड कलर में बदल गया तो वो एसिडिक सोल्यूशन होगा ओके नेक्स्ट वन सिंथेटिक इंडिकेटर फिनल ऑफ्तेलिन इज ए एसिड बेस इंडिकेटर विच इज कलरलेस इन एसिड सोल्यूशन बट टर्न्स पिंक टू रेड एज द सोल्यूशन बिकम्स अल्कलाइन इट इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर एंड इज यूज फॉर द न्यूट्रलाइजेशन एक्सपेरिमेंट वन ऑफ द सिंथेटिक इंडिकेटर्स इज फिनल ऑफथेलीन ओके इसकी कलर है पिंक कलर इसको एसिड में डालेंगे तो उसकी कलर चेंज नहीं होगा एंड बेस में डालेंगे तो इसकी पिंक कलर रेड कलर में बदल जाता है जनरली ये न्यूट्रलाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं नेक्स्ट फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होता है

एसिड की एंड बेस की स्मेल्स बदल जाता है ओके okay? एग्जाम्पल्स क्या है और अनियन क्लोवाइल एंड वेनिला आर द मेन एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ओके okay?